से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह तर्जमा मैं अल्लाह के नाम से खाना शुरू करता हूँ। हवाला तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1858 सबक नंबर 2। शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखरा तर्जमा शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाता हूँ। हवाला 3767 सबक नंबर 3। खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमना वसक़ाना वज़अलना मुस्लिमीन तर्जमा तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। हवाला तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3457 सबक नंबर 4। खाने की सुन्नत है नंबर एक दस्तरखान बिछाना। हवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5415 नंबर 2 धोना हाथ गत्तों समेत धोना। हवाला तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1846 नंबर 3 एक जानो या दो जानो बैठना। हवाला 3263 नंबर 4 टेक लगा करना खाना। हवाला तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1830 नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना। हवाला तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1858 नंबर 6 दाएं हाथ से खाना। हवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5376 नंबर 7 तीन उंगलियों से खाना। हवाला मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 5417 नंबर 8 अपने सामने से खाना। हवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5376 नंबर 9 बहुत ज़्यादा गर्म ना खाना। हवाला पर मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 7125 नंबर 10 खाने में ऐब ना निकालना। हवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5409 नंबर 11 अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। हवाला मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 5421 नंबर 12 बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना। हवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर हवाला मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 5420 नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना। हवाला तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3457 नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। हवाला तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1846 सबक नंबर 5 पानी पीने की सुन्नत है नंबर 1 दाएं हाथ से पीना। हवा नंबर 2 बैठ कर पीना नंबर 3 देख कर पीना नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पीना नंबर 5 3 सांस में पीना नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। सबक नंबर 6 दूध पीने के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन तर्जमा ए अल्लाह इन हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें ज़्यादा अता फरमा। हवाला तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3455 सबक नंबर 7 इल्म हासिल करने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया तर्जमा ए अल्लाह मैं आपसे नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म मांगता हूँ। सबक नंबर 8 सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया तर्जमा ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। सबक नंबर 9 हवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6314 सबक नंबर 9 सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना بعد ما أماتنا وإليه النشور ترجمة تمام تعريف الله كليا جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 6314 سبق نمبر 10 سبق نمبر 10 بیت الخلاء سے جانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ترجمة اے اللہ میں تیرے اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں
अल्लाह मैं नापाक जिन्नों से तेरी पनाह चाहता हूँ। सबक नंबर 11 बैतुल खला से निकलने के बाद की दुआ गुफराना का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा वआफ़ानी। तर्जमा अल्लाह मैं आपसे मगफरत चाहता हूँ। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे मुझसे तकलीफों को दूर किया और मुझे आफियत बख्शी। हवाला इब्न माजा हदीस नंबर 300 301। सबक नंबर 12 सवारी पर सवार होने की दुआ सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तर्जमा पाक है वजात जिसने इस सवारी को हमारे कब्जे में दे दिया वरना हम इसको क़ाबू करने वाले नहीं थे और बिला सुबह हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। सबक नंबर 13 खास खास मौक़ों पर कहे जाने वाले मसनून कलिमात किसी मुसलमान से मिले तो सलाम करें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जमा तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसके बरकतें हो। मुसलमान सलाम करे तो उस जवाब दे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जमा और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो। किसी काम को शुरू करते वक्त कहे हर अच्छे काम को शुरू करते वक्त पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नहायत रहम कोई नियामत हासिल हो तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जमा तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। कोई कुछ दे अच्छा सलूक करे तो कहे जज़ाकल्लाहु खैरा। तर्जमा अल्लाह आपको बेहतर बदला अता फरमा। हवाला तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2035।